साहब बस कीजिए, उन्हें भी देर हो रही होगी। आई एम सॉरी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आई अंडरस्टैंड। तुम मेरे लिए स्पेशल हो। सी यू टुमारो। ये है मेरी दुनिया, यहां जितने भी लोग हैं मेरे अपने हैं। ज्यादातर लोग किसी ना किसी तरह डिफेंस से कनेक्टेड हैं। वो जो युद्ध में लड़ते हुए घायल हुए, शहीदों के परिवार, उनके बच्चे और भी ऐसे कई लोग। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, यहां सबके पास जॉब है। 130 एकड़ में फैले इस ट्रस्ट के अंदर और भी कई इंस्टीट्यूशन हैं। आओ दिखाता हूं। आज के दिन यहाँ रहने वाले सभी लोग शहीदों को याद करते हैं। पति पावन सीताराम। कृष्णा जी, ये कृष्णा जी हैं, यहाँ के इंचार्ज हैं। ये सुष्मिता हैं। हेलो। इंस्टीट्यूशन देखने आई हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूँ। अरे दादी आप। लो बेटा चाय पी लो। सबकी फेवरेट दादी हैं ये। ये कौन है? ये सुष्मिता है, बाकी बात में बताऊंगा। बदमाश कहीं का। यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है। देश के लिए शहीद होने वाले फौजी का परिवार बेसहारा ना हो, इसी सोच के साथ हमने इस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी है। चाचू। हाय। चल चल जल्दी चल। ये दोनों मेरे भतीजे हैं। कम 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 कम। मुझे उठाओ। आराम से आराम से। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है सूरज और इसका नाम है नीरज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं थर्ड में हूँ और ये नर्सरी में। बड़े होकर क्या बनोगे? मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा। मुझे भी। फिलहाल यहाँ तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री एजुकेशन। वैसे चाहें तो कोई भी करियर चुन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन सभी आर्मी में जाना चाहते हैं। यहाँ धर्म, जाति या पैसों का भेदभाव नहीं है। यहाँ सब लोगों की सांसों में एक ही नाम बसता है, सबका एक ही जज्बा है, इंडिया। हेलो। एक लंबे टूर पर चलें। पर कहाँ? जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। चलो अब घर जाकर बैग्स पैक कर लो। फिर भी बताओ तो कहाँ। मुझ पर विश्वास करती हो? करती हूँ। सच में? ओके। तो फिर ज्यादा सोचो मत। सर जैक गोवा जा रहा है और वहां जाके वो कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने उसकी ट्रेवल डिटेल्स चेक की है सर। पिछले 6 महीनों में वो 9 बार गोवा गया है। ओह, हो ना हो कोई खास वजह होगी। सर तो हमको अब क्या करना है? सबसे पहले तो तुम्हें फ्लाइट बुक करनी चाहिए। विद योर परमिशन सर। ऑफ कोर्स। ठीक है। कैन आई हैव द कीज? हेलो। थैंक यू सर। तुम्हारी चाबी। थैंक यू। योर रूम, दिस इज माइन। ठीक है। वेलकम मैम। कौन है सर? ओ हाँ बोलो। जैक सेम होटल में सेम रूम में ठहरा है जहाँ पहले भी रुका था। और तुम? मैं उसके ऑपोजिट रूम में। नहीं नहीं, तुम उसी के कमरे में रहो। उसके टारगेट का पता लगाना बेहद जरूरी है। ओके सर। Yes, come in. आओ, बैठ जाओ सुष्मिता। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो यहाँ आए? ये बाहर क्या देख रहे हो? बस ऐसे ही। पहले से गोवा काफी बदल गया है। ऐसा क्या बदल गया है गोवा में? जैसे उस ब्रिज को देखो,
उसके आने से लाइफ इजी होगी। और वो कैसे? लोगों को आने जाने में दिक्कतें कम हो रही हैं। हाँ। वैसे इस शहर की एक खास बात है, ये पहले जाने को कहता है और फिर आने को। वो कैसे? गोवा एंडा गोवा। हाउ फनी। अच्छा एक जरूरी काम। कहाँ जा रहे हो? तब तक तुम अपने रूम में रेस्ट करो, चाहो तो यहीं रुक जाओ। यहीं रहूंगी, ये रूम ज्यादा बड़ा है। क्यों, स्क्वायर फीट माप लिया क्या? तुमने बताया नहीं कहाँ जा रहे हो। मैं आउटडोर गेम खेलने जा रहा हूँ, तुम इंडोर गेम खेलो। अरे सी यू बाय। अरे सुनो जैक। टेल मी। सर एक हफ्ते पहले जैक ने अपनी वैन गैराज में रिपेयर और पेंट करने दी थी। शायद उसमें कुछ भारी ले जाने वाला है। वैन का कलर क्या है? व्हाइट और येलो सर। सर जैक ने कल के लिए एक महीने पहले ही गोडाउन बुक किया था। गोडाउन का साइज क्या है? तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट तो होगा। ओके। सर अभी मैं ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में हूँ। जैक ने एक महीना पहले कल के लिए 24 कार्स बुक की थी सर। ओके। वैन गोडाउन 24 कार्स। कुछ कनेक्शन दिखता है इनमें? एनी क्लू? नो सर। पर एक बात पक्की है, कल कुछ होने वाला है, क्योंकि कल ही का वो दिन है जिसके लिए गोडाउन बुक किया गया है। हेलो मैम, आपके कपड़े तैयार हैं। थैंक यू। IBM बैंक। यस सुष्मिता, जल्दी बताओ। सर जैक के कमरे में अभी अभी 4 सिक्योरिटी यूनिफॉर्म स्टिच हुए आए हैं। जब मैंने उसे चेक किया तो उस पर IBM बैंक का लोगो है। फिर मैंने उसके बायनोक्यूलर से बिना उसका फोकस चेंज के खिड़की के बाहर देखा तो मेरी नजर IBM बैंक पर पड़ी। ओके थैंक यू सो मच, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके सर। अब हमारे पास नए क्लू है। बैंक IBM। 4 यूनिफॉर्म्स, मतलब 4 लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। वेट 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 वेट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, शायद वो भी हमें ट्रैक कर रहा हो। व्हाट डू यू थिंक? नो सर, आई डोंट थिंक सो। नहीं, पर बैंक ही क्यों? उसका टारगेट तो ब्लैक मनी है। बट सर, व्हाइट मनी भी तो चुरा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने शहर में। इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ और भी है इस IBM। प्लीज बैठो। थैंक यू सर। ब्रेक के बाद तुम्हारे लिए चाय या कॉफी मंगाऊं? नहीं सर, थैंक यू। दोस्तों, जवानी में मैं भी धासु स्पोर्ट्समैन था। लुक्का छुपी के साथ साथ लंगड़ी टांग का गेम भी खेलता था। 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है मैंने। 23 साल पहले यहाँ मजदूरी करके इस बिल्डिंग की हिट से हिट बजाई है। सर, कल रवांडा होटल में ब्लैक मनी का एक ट्रांजैक्शन होने वाला है। जैक ने बताया था कि जोगी कामले को कुवैत कंपनी के साथ डील करने के एवज में एडवांस मिलने वाला है, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन सीनियर इंस्पेक्टर हरी को दी है। कल जो पैसा चुराया वो जोगी कामले को कुवैत बिजनेस डील में मिला एडवांस था, बाकी पेमेंट बाद में लेके जाऊंगा। यस डैनियल, टेल मी। सर, होम मिनिस्टर यहाँ गोवा आए हुए हैं, उनकी इस विजिट के बारे में आपके पास कोई डिटेल्स? मुझे रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है, एक डील के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ ब्लैक मनी का एक बड़ा ट्रांजैक्शन होने वाला है, इसकी इंक्वायरी करके मुझे बता सकते हैं सर? कैसे बताऊं डैनियल, पूछने पर बात घुमा देते हैं। खैर कोशिश करता हूँ। फिलिप। यस सर। एक काम करो, सारे 5 स्टार होटल्स में फोन करो और पता करो कि कुवैत से कोई बिजनेसमैन आए हैं। श्योर सर। इट्स अ प्रायोरिटी। ओके। हेलो। अरे 5 मिनट तो चैन की सांस लेने दो बाबा, कुत्तों की तरह तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। मुझे डाउट है कि तुम लोग ही मेरा पैसा चुरा रहे हो। सर तेरी क्यों चली? मैं गोवा में मसाज करवाने आया। तो सर हमें पता चला है कि जिस चोर को हम ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त गोवा में है। कौन सा चोर जिसे तुम नहीं पकड़ पाए? ये गोवा मेरी जन्मभूमि है। या मैं चोर से नहीं डरता, चोर मुझसे डरते और हफ्ता देके जाते हैं बाबा। मैंने बंदोबस्त अपना कर लिया, थंडर फोर्स को रखिए। तुम अपनी फोर्स से कहो कि वो पिकनिक मनाए बीच पे जाके, कर लगा है। फोन रख रहे डैनियल। सर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। हमारी पुलिस फोर्स को उन्होंने दिल खोलकर कोसा और फोन काट दिया। ओह, हां, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं फोन करता हूं। सर
सर ये कुवैत वाली पार्टी होटल मेरिडियन में और मिनिस्टर साहब कल्चरल सेंटर के गेस्ट रूम में रुके हैं। Are you sure? Yes, sir. Yes, 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 yes. Now the picture is clear. शायद ये मेरा एक assumption हो, but I'm sure. Overseas से जो पैसा आया है वो होम मिनिस्टर जोगी ने IBM बैंक के लॉकर में रखा है। वो अक्सर ऐसे ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। Most probably कल ये पैसा जोगी के पास पहुंच जाएगा और वो इसी के पेमेंट के लिए यहाँ गोवा आया है। तो उसने वैन का जुगाड़ क्यों किया? बैंक अक्सर बड़े कैश अमाउंट्स वैन से ही शिफ्ट करते हैं फिलिप। जैक उनकी वैन को अपने खुद की वैन से रिप्लेस करेगा, इसीलिए उसने वैन को बिल्कुल वैसा ही पेंट किया है ताकि दोनों वैन एक जैसी लगे। और वो 24 कार्स का क्या? पैसों को 24 लोकेशंस पे पहुंचाना चाहता हूं, मेबी। और गोडाउन? उसी के अंदर वो अलग अलग कार्स में पैसे लोड करेगा। ओके। उस कैश थीफ को अगर रंगे हाथों पकड़ना है, उसके अंदर से बाहर आने तक हम उसे अरेस्ट नहीं करेंगे। खामोशी से उसका सारा खेल देखेंगे। ये सर। जैक, वापस शहर लौट जाए। क्यों? बस ऐसे ही, मेरा मन नहीं लग रहा। आज रात की फ्लाइट ले। ठीक है, तो हम परसों की फ्लाइट में निकल जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कि हम गोवा क्या करने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है, बोलो। समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो पूछ रही हूँ। एक पुलिस ऑफिसर के सामने हर राज नहीं खोलना चाहिए। पुलिस ऑफिसर? या यू आर अ पुलिस ऑफिसर, जानता हूं बहुत पहले से। वो कैसे? सो सिंपल। याद करो उस दिन जब वो कसीनो वाला 50,000 रुपया लेने के लिए आया था और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। जैसे ही मैंने मुड़कर पीछे देखा, तुमने अपनी पर्स से गन निकाली और फिर उसे वापस वहीं रख दिया। उसी वक्त मैंने रियलाइज किया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो जो मेरी हरकतों पर नजर रख रही हो। I'm sorry. It's okay. आओ। Hey. Don't worry. मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो फिर वापस चले जाओ, वरना तुम पकड़े जाओगे। मैं एक फौजी हूं, एक बार अगर कदम बढ़ाया तो फिर पीछे नहीं हटता, और अगर हटा भी तो चीते की तरह छलांग लगाने के लिए। सो बी कूल।